सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी मैं दो वीडियोस कर चुका हूं इस सीरीज में। पहले वीडियो में हमने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अंदर क्या फर्क होता है ये जाना था। फिर दूसरे वीडियो में शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स हमने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इनको देख लीजिए ये वीडियो देखने से पहले। लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, हम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बॉन्ड मार्केट या डिबेंचर मार्केट अगर मैं कहूं तो इंडिया के अंदर उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है जितनी काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है, लेकिन ये काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई है। पिछले 10-15 साल की मैं बात करूं तो आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी काफी सारे एवेन्यूज हैं कि वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मतलब आपके बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। अब जब आप बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसके अंदर काफी सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं। वो बेसिकली आपका किस तरीके का बॉन्ड है या डिबेंचर है वो डिफाइन करता है। उससे आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके के रिस्क हैं, किस तरीके के रिटर्न आपको मिलेंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कितने तरीके के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होते हैं वो जानना। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, देखते रहिए इस वीडियो को। इसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है आपकी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की। सिक्योर्ड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में कंपनी के एसेट्स को एज सिक्योरिटी रखा जाता है बॉन्ड होल्डर्स के पास। मतलब अगर कंपनी के दिवालिया होने की नौबत आ जाती है तो कंपनी के एसेट्स को बेच के बॉन्ड होल्डर्स की पेमेंट की जा सकती है। इसका कंपैरिजन आप होम लोन से कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने लोन की पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपके घर को अपने पास मॉर्गेज रखवाता है और उसकी नीलामी करके अपनी रिकवरी कर सकता है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड या डिबेंचर के केस में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्लियर भी कर दूं कि बॉन्ड जनरली अनसिक्योर्ड नहीं होते हैं, वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। डिबेंचर आपके सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर का आप अगर कंपैरिजन करना चाहें तो पर्सनल लोन से कर सकते हैं। पर्सनल लोन के अंदर फॉर एग्जांपल विदाउट कोलैटरल आपको लोन मिलता है। तो अगर आप अपने लोन की पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक के पास कोई तरीका नहीं है अपनी रिकवरी करने का। सिमिलरली अगर आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स आप एक रिस्क हाई ले रहे हैं और अगर कंपनी के दिवालिया होने की नौबत आ जाती है तो हो सकता है आपकी रिकवरी ना हो पाए। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी कि आपको इंटरेस्ट किस हिसाब से मिल रहा है। आपके डिबेंचर या बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर क्लियरली लिखा होगा कि आपको क्यूमुलेटिव या फिर नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये आपके पास एक ऑप्शन भी होता है कि आप किस तरीके से अपना इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के अंदर आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक साथ होती है। लेट से अगर ये 10 साल का आपका टोटल बॉन्ड पीरियड है और लेट से आपने स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करे थे तो यहां पे 10 साल के बाद आपको 9% के हिसाब से आपका जितना भी टोटल इंटरेस्ट बनता है प्लस जितना भी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो एक साथ आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो यहां पे आपका 100,000 यानी कि 1,00,000 इनटू 1.09 रेस टू द पावर 10 ये आपका कंपाउंड होके सारा इंटरेस्ट एक साथ मिल जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर आपको एक साथ मिलने की बजाय इंटरेस्ट पेमेंट हर साल होती रहती है। तो अगर आपने लेट से 1,00,000 रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करे तो आपको 9% की पेमेंट तो हर साल होती रहेगी 10वें साल तक, और आपका ये जो 1,00,000 का अमाउंट है ये 10 साल बाद आपको एक साथ मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल पेमेंट आपको 10 साल के बाद मिलेगी और आपका इंटरेस्ट हर साल आपको मिलता रहेगा नॉन क्यूमुलेटिव अगर आप इंटरेस्ट ऑप्ट करते हैं तो। इसके अलावा हमारे पास रिडीमेबल और इररिडीमेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स भी होते हैं। रिडीमेबल का मतलब है कि क्लियरली मैच्योरिटी डेट मेंशन की जाती है। लेट से अगर 10 साल की मैच्योरिटी डेट है तो आपको मैच्योरिटी डेट के बाद फेस वैल्यू जितनी भी है उतना अमाउंट टोटल मिल जाएगा। हम अपना पुराना ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं प्लस आपको जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो 10 साल के बाद आपको मिल जाएगा अगर आपने क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ऑप्ट किया है तो। अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव किया है तो आपको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट वैसे ही होती रहेगी, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको 10 साल के बाद मिल जाएगा। इररिडीमेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के अंदर आपको मैच्योरिटी डेट नहीं मेंशन की जाती है। इसका मतलब कंपनी ने आपसे हमेशा के लिए पैसे ले लिए, ये जो 1,00,000 का अमाउंट है ये कंपनी आपको वापस नहीं करेगी। सिर्फ आपको 1,00,000 रुपए की आपकी तब बनती है पेमेंट जब कंपनी के दिवालिया होने की नौबत आ जाए, तो आपको हर साल 9% पर एनम का खाली इंटरेस्ट मिलता रहेगा।
अब इररिडीमेबल या फिर परपेचुअल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। आप मेनली रिडीमेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब देखिए मैंने यहां पे खाली डिबेंचर्स लिखा है क्योंकि बॉन्ड्स आपके कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपका क्लियरली सर्टिफिकेट के अंदर लिखा जाएगा अगर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो, और उसका मतलब ये है कि उसको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके जितने भी डिबेंचर्स की वैल्यू है वो आपकी मेंशन तो होगी ही फेस वैल्यू, और साथ में ये भी क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कितने साल बाद ये कन्वर्टेबल हो सकता है और कितने प्राइस पे ये कन्वर्ट होगा, ये भी पहले से ही मेंशन किया जाता है। अब जब इक्विटी शेयर के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाती है सारी इन्वेस्टमेंट, दैट मींस आपको ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा था ये नहीं मिलेगा। कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी एक तो आपको वो मिलेगा, प्लस शेयर प्राइस के अंदर जो ग्रोथ होगी वो आपको रिटर्न्स की फॉर्म में मिल जाएगी। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर आपको ये फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी रजिस्टर्ड और बियरर बॉन्ड्स। रजिस्टर्ड बॉन्ड्स के अंदर सिंपली आपका नाम लिखा जाता है, कंपनी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसके अंदर सारे नेम एंड एड्रेस डिटेल्स होती हैं, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, वो एक पर्टिकुलर बंदे के नाम पे होता है बॉन्ड या डिबेंचर। अगर रजिस्टर्ड बॉन्ड या डिबेंचर को ट्रांसफर किया जाता है दैट मीन्स कि उसके अंदर नेम चेंज कराना जरूरी है। जब तक कंपनी के रजिस्टर में नेम चेंज नहीं होगा तब तक जो पुराना ओनर है उसी के पास सारी पेमेंट जाएगी। तो ये बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो रजिस्टर्ड बॉन्ड है या फिर बियरर बॉन्ड है। बियरर बॉन्ड के अंदर नाम नहीं लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा गया है। जिसके पास भी वो बॉन्ड या डिबेंचर है, जो भी उस फिजिकल एसेट का होल्डर है उसको पेमेंट हो जाएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से करेंसी नोट की तरह काम करता है, जैसे जिसके पास भी जो नोट होगा वो उसी का हो गया, वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो सिमिलरली जिसके पास भी वो बॉन्ड है उसी के पास पेमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अगर बॉन्ड के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा थ्रू आउट द पीरियड, दैट मींस कि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस किया गया है, लेट्स से 9% पर एनम का। अगर कंपनी अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क हेज करना चाहती है तो वो उसको किसी बेंचमार्क रेट से लिंक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहेगी कि इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, SBI का जो भी करंट MCLR रेट होगा उसके ऊपर हम आपको 2% पर एनम देते रहेंगे। तो अगर SBI का MCLR रेट ऊपर जाता है तो आपका बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चला जाएगा, अगर SBI का MCLR रेट नीचे जाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो यहां पे इंटरेस्ट रेट का रिस्क कंपनी नहीं ले रही है, उसने बेंचमार्क रेट से अपने आप को लिंक कर दिया है। तो इसका एग्जांपल मैंने इंडिया में तो आपको दे ही दिया, SBI का MCLR रेट एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क रेट माना जाता है तो उससे लिंक किया जा सकता है। इंटरनेशनली LIBOR एक बेंचमार्क रेट है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, उसके ऊपर कंपनी आपको कुछ भी प्रॉमिस कर सकती है। तो इस तरीके से फिक्स्ड इंटरेस्ट या फ्लोटिंग इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपका बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को डिफाइन किया जा सकता है। फिर होते हैं आपके कॉलेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। कॉलेबल बॉन्ड्स का क्या मतलब है, देखिए एक तो हो गया आपका मैच्योरिटी डेट कि 10 साल के बाद आपको कंपनी को पैसा वापस देना ही देना है, मतलब बाईबैक करना ही करना है। कॉलेबल का मतलब है कि 5 साल के बाद भी कंपनी आपके शेयर्स को बाईबैक कर सकती है। तो यहां पे क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि इतनी डेट के बाद हम अपने शेयर्स को बाईबैक कर सकते हैं, और डिफाइन किया जाता है प्राइस भी कि इतने प्राइस पे हम अपने शेयर्स वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझा देता हूँ। लेट से ये एक कंपनी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, होपफुली लाइनें थोड़ी सी सीधी आ जाएं। तो ये कंपनी अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स से कहती है कि आपको कॉलेबल शेयर्स इशू करे गए हैं, और अगर कंपनी अपने शेयर्स को कॉल करती है दैट मीन्स वो यहाँ पे कॉल अपना ऑप्शन ले रही है और वो बेसिकली बाईबैक कर रही है 5 साल के बाद। तो यहाँ पे बाईबैक का ऑप्शन है कंपनी के पास। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि यहां पे अगर लेट से उसे 5 साल के बाद 9% की जगह 7% पे कहीं से पैसा उठाने को मिल रहा है तो यहां पे कंपनी कहेगी कि यहां पे हम इनको 9% का पे कर देते हैं और 7% का पैसा कहीं और से उठा लेते हैं। तो अगर कंपनी को लगता है कि वो फ्यूचर में लोअर रेट पे फंड्स रेज कर सकती है तो वो कॉलेबल ऑप्शन दे देती है बॉन्ड के अंदर। सिमिलरली एक पुटेबल ऑप्शन भी हो सकता है आपका, आपके पास पुटेबल बॉन्ड का ऑप्शन का मतलब है कि यहां पे कंपनी की जगह इन्वेस्टर्स के पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पे मैं अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूं तो मान लीजिए ये कंपनी है, तो यहां पे लेट्स से ये इन्वेस्टर्स हैं हमारे, और यहां पे
इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो पुट कर सकते हैं। पुट का मतलब है कि वो 9% पे अपने शेयर्स को बेच देंगे। अब शेयर्स यहां पे इन्वेस्टर्स क्यों बेचेंगे? देखिए यहां पे भी क्लियरली लिखा जाएगा कि पुटेबल ऑन और आफ्टर 5 ईयर्स, और प्राइस भी डिफाइन किया जाएगा। तो इन्वेस्टर्स यहां पे क्यों बेचेंगे? इन्वेस्टर्स इसीलिए बेचेंगे कि इन्वेस्टर्स को भी हो सकता है कि 9% की जगह कहीं पे 10% मिल रहा हो, तो 5 साल के बाद इन्वेस्टर्स यहां पे अपने बॉन्ड्स को पुट कर देंगे, यानी कि पुट का मतलब है सेल कर देंगे और 10% पे कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये हो गए आपके कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। इसके बाद आते हैं, आपको कई बार सुनने को मिलता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर 0% होता है। अब इंटरेस्ट रेट 0% है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। यहां पे रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? आपको जो इनिशियली इन्वेस्ट करना है जितना भी पैसा, वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे होता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली समझा देता हूं। यहां पे देखिए, अगर आपकी टाइमलाइन ऐसे है कि 0 to 5 ईयर्स, आपने जीरो डेट पे आप जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा वो 650 के हिसाब से करेंगे। तो लेट से यहां पे आपने 650 का एक डिबेंचर पड़ रहा था आपको, और लेट से आपने 100 डिबेंचर खरीद लिए, तो ये तो हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो आपकी रिकवरी होगी, रिडेम्पशन होगी, वो फेस वैल्यू पे होगी। तो इसीलिए यहां पे आपको रिटर्न सीधे लमसम में आते हैं। तो यहां पे आपकी ₹1000 × 100, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो आपको यहां पे हर बॉन्ड और हर डिबेंचर पे 350, यहां पे 350 का फायदा हो रहा है। अब वो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस हिसाब से आपके पर एनम रिटर्न्स कितने बने। सिमिलरली आपको प्रीमियम डिबेंचर्स या बॉन्ड्स भी सुनने को मिलते हैं, इसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट रेट जीरो होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, आप जो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं वो फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पे आपने लेट से ₹1000 के हिसाब से इन्वेस्ट किया, और यहां पे लेट से मैं थोड़ा सा दोबारा लिखता हूं, यहां पे ₹1000 के हिसाब से आपने लेट से 100 बॉन्ड्स खरीदे, 5 साल के बाद आपको ये ₹1500 के हिसाब से रिकवरी हो जाएगी, आपका रिडेम्पशन हो जाएगा। तो यहां पे इसको हम कह देते हैं प्रीमियम, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर प्रीमियम लगा। तो ये ₹1000 आपके 1500 बन गए, और अगर आपने 100 बॉन्ड या शेयर खरीदे थे तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां पे जीरो कूपन का मतलब है कि आप पहले डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रहे हैं। तो ये जो ₹1000 है, यहां से आपका ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, वो बेसिकली ₹350 पर बॉन्ड आपका प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड या डिबेंचर की। सबऑर्डिनेटेड का आप सीधे सीधे मतलब ही समझ सकते हैं कि मतलब सेकेंड या थर्ड ग्रेड है ये। सेकेंड या थर्ड ग्रेड का मतलब अगर कंपनी का दिवालिया घोषित होने की नौबत आती है, कंपनी अगर वाइंड अप होती है, तो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड होल्डर्स को सीनियर डेट होल्डर्स के बाद पेमेंट होती है। तो प्रायोरिटी वाइज पेमेंट होती है हमेशा। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले बैंकों के लोन क्लियर करे जाते हैं, उसके बाद जितना भी फर्स्ट चार्ज वाले बॉन्ड हैं, फर्स्ट बॉन्ड, उनकी पेमेंट होगी, उसके बाद सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड या डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होगी, उसके बाद सबसे लास्ट में शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। तो शेयर होल्डर्स तक तो पैसा ही खत्म हो जाता है जनरली जब एसेट्स नीलाम होते हैं, तो कई बार तो खाली लोन या बॉन्ड होल्डर्स का ही नंबर आते आते पैसा खत्म हो जाता है। इसके बाद होते हैं आपके पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जनरली वेंचर कैपिटल में यूज होते हैं। अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पैसा दे रहा है बिजनेस के अंदर, तो इनिशियली वो कहेगा कि चलिए आपको इनिशियली पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो आप मेरे को इनिशियली पैसा मत देना, आप कोई इंटरेस्ट मत देना। आप जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, लेट से वो कहता है कि इनिशियल 2 साल तक आप कोई इंटरेस्ट मत देना, 2 से 4 साल तक आप मेरे को 8% पर एनम का इंटरेस्ट दे देना, और 4 से 8 साल तक आप मेरे को 12% पर एनम का इंटरेस्ट दे देना। तो इसका मतलब यह है कि उसने डील इस तरीके से स्ट्रक्चर करी है कि इनिशियली भार ना पड़े किसी भी स्टार्टअप के ऊपर, जैसे जैसे बिजनेस पिक करता जाए उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके के आपके पास एवेन्यूज होते हैं, कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहें, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहें, या फिर टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए, और हमेशा की तरह खुश रहिए।